टॉप 5 की गिनती में लाने का दरअसल सरकार का प्रयास रहेगा और उसके लिए बड़ी मदद सरकार करती हुई दिखाई देगी, चाहे वो इस समय की बड़ी कंपनियां हो या फिर MSMEs हो। नेशनल टूरिज्म पॉलिसी जल्द ही तैयार की जाएगी, उसका जल्द ही ऐलान होगा। 2030 तक यानी कि अगले 8 सालों तक भारत टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शामिल होगा, ये फिलहाल सरकार का प्लान है। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं। ITDC, IRCTC ये कुछ स्टॉक्स रेडार पर होने चाहिए, होटल कंपनियां रेडार पर होनी चाहिए। लक्ष्मण, क्या पिकअप कर रहे हैं आप, किस तरह के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इंडियन ट्रैवल और टूरिज्म कंपनियों को, इस सेक्टर को? देखिए, वैसे तो पूरी टूरिज्म पॉलिसी को करीब 80 से 85 पन्ने में इसकी व्याख्या की गई है, लेकिन सरकार इस पॉलिसी के तहत 3-4 महत्वपूर्ण बातों पर खास फोकस करेगी। उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं लक्ष्य ये रखा जा रहा है कि दुनिया भर के पर्यटक जब भी दुनिया के किसी देश में जाना चाहें तो टॉप 5 देशों में, पसंदीदा देशों में भारत भी उसमें शुमार हो, यानी टॉप 5 डेस्टिनेशन जो है उसमें भारत को शामिल किया जाए। इसके लिए अलग अलग पहलुओं पर सरकार फोकस करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे टूर ऑपरेटर हो, टूर गाइड हो, MSME हो, होटल हो, उन सब के साथ पार्टनरशिप पर फोकस किया जाएगा और इन लोगों को आसान शर्तों पर, सस्ती ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कैसे कराया जाए यह सुनिश्चित किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो अलग अलग फंड के लिए जो प्लेटफॉर्म होते हैं, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, FPI हो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, इन सब को किस तरीके से आकर्षित किया जाए इसके लिए नियमों में सरकार जरूरी बदलाव कर सकती है। MSME पर खास फोकस किया जाएगा। MSME पर फोकस करते हुए उनको मार्केटिंग के लिए टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाएगा, मार्केटिंग के लिए असिस्टेंस दिया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, डिजिटल पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस पूरी पॉलिसी के तहत। इसके लिए सरकार एक डिजिटल मिशन भी बनाएगी टूरिज्म के लिए, जिसमें डिजिटल तरीके से टूरिज्म को कैसे आसान किया जाए ये यहां पर फोकस करेगी। ग्रीन टूरिज्म भी एक इसका महत्वपूर्ण पहलू है। ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसमें फंड ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि पर्यावरण के हिसाब से भी टूरिस्ट को ज्यादा आकर्षित किया जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। इस पूरी टूरिज्म पॉलिसी का ड्राफ्ट सरकार ने जारी किया था, इस पर अब सलाह मशविरा का दौर खत्म हो चुका है 2 दिन पहले ही, और अब सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा।